तेजेंद्र जी, आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों के लेकर आप धरने पर बैठे हैं? ये जो प्रधानमंत्री जी ने 3 अध्यादेश लाने की तैयारी करी है चोरी चोरी, और ना उससे पहले ये हुआ करता था कि जो किसानों के संगठन हैं उनके एक एक दो दो प्रतिनिधि बुलाए गए और उनके सुझाव लिए जाते थे कि इसमें जो कमी रह गई हो, किसानों की राय से जो किसान से ज़्यादा तजर्बा इस ज़मीन के बारे में किसे होगा, जो ज़मीन में पैदावार हो रही है किसान से ज़्यादा किसी को तजर्बा नहीं है। तो कम से कम जो है प्रधानमंत्री जी ने हमें जो है जो एक एक दो दो प्रतिनिधि जो किसानों के 20 या संगठन हैं उनके एक एक दो दो प्रतिनिधि बुलाकर उनके सुझाव लेने चाहिए कि इसमें ये कमी रह गई है, उस सुझाव को माना जाता। तो इनमें जो है ये जो अध्यादेश लाए जा रहे हैं ये चोरी चोरी क्यों लिए जा रहे हैं और इतनी जल्दीबाजी क्यों की जा रही है, इससे किसान जो है बहुत चिंतित है और इसमें हमें साफ नुकसान दिखाई दे रहा है कि किसान बर्बाद होगा। प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया जाएगा और प्राइवेट कंपनी गाँव में जाकर 10-5 लोगों को सेट करे करेंगे और उसे जो पूरे गांव का लूट लाए करेंगे, ये काम इसमें होगा। तो हमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए मोदी जी से आज भी हम ज्ञापन देने आए। हमारा पूरे प्रदेश में आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है भारतीय किसान यूनियन का और मोदी जी के नाम हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि जो है इसमें जो है कुछ चेंज किया जाए, इन किसानों की राय भी ली जाए, इसमें संशोधन करके किसानों के फेवर का बनाया जाए, ना कि किसान को मारने के लिए। लोकसभा राज्यसभा में यह अध्यादेश जो देखो जी जबरदस्ती का सौदा है और विरोध के बीच में ये कोरोना काल में पास करा गया है जो कि किसान विरोधी है और इसके विरोध में किसानों पर लाठी चार्ज करा जिसे तानाशाही दिखती है सरकार की। हम तो भारतीय किसान यूनियन के मेंबर होने के नाते, मैं तो महानगर अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष जी भी हमारे और पदाधिकारी बैठे, हम तो हमारी मांगे ये हैं कि जब कोई अध्यादेश पास होता है तो किसान प्रतिनिधियों को बुलाया जाए। आप समझ रहे हो, अगर हम अपने दो आदमियों को बिठा के कोई अध्यादेश पास करवा रहे हैं तो वो तानाशाही है, इसका मतलब है जनता की उन्हें जरूरत नहीं, जनता के वोट की उन्हें जरूरत नहीं। आप समझिए कि जो है तानाशाही से अगर सरकार चलेगी तो किसान उस सरकार को गिराने का काम करेगा और हम गाँव जाके इसका प्रचार करेंगे, किसान करेगा सरकार की पूरी खिलाफत। अभी हरियाणा पंजाब में हो रहा है और यूपी में जो है ये आंदोलन नया रूप लेगा जल्दी। जी आज आप जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या है मकसद? हमारा है कि सरकार जो ये अध्यादेश लाई है, 3 अध्यादेश ला रही है जी, इनके विरोध में है, इससे किसानों का बहुत नुकसान है जी। हमारी सारी मंडी है ये ख़त्म कर रहे हैं, जैसे अनाज मंडी सरकारी है जी। और भाव जो है ये सबूना रहेंगे, SMP रेटों पर हुआ है, तो इस वजह से किसान इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। हम उसके उसमें हैं, अगर भाई अध्यादेश इसको नहीं लगन देंगे चाहे कुछ भी हो, मैं रोड पोतना पड़े या कुछ भी। इस मामले को लेकर अभी तक आपने हाँ ज्ञापन दिया भी है, हम दिल्ली भी जा रहे हैं, उस दिन यूपी गेट पर रोक के गए, फिर शाम को हमारे हटे और वहाँ से गए भी हमारे प्रतिनिधि कुछ मंडल उसके गए बन गए वहाँ से। आज आप सब लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं तो आगे क्या उद्देश्य है? आगे अगर ना सुनवाई होगी तो हम चाहे रोड पर आना पड़ेगा जी। कुछ भी हो पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पर उतरेगा, पूरे भारत को बंद करेंगे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी